हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनू रेसिपीज़ एंड ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी सी एक ऐसी मिठाई जिसको आप होली में बना सकते हो। सिर्फ दो चीज़ों से इतनी सुंदर सी, इतनी यम्मी सी मिठाई ये हमने बनाई है सिर्फ दो चीज़ों से। तो वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। न्यू व्यूवर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप ये देखिए कितनी सुंदर है और कितनी यम्मी लग रही है ना मिठाई। सिर्फ दो चीज़ों से आप इतनी टेस्टी सी मिठाई बना सकते हो, आपको इसके आगे गुजिया भी फीकी लगेगी। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ना चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 1 कप डाल दिया है चीनी। तो 1 कप चीनी डालेंगे और इसी कप से हम नाप कर आधा कप इसमें हम जो है ना पानी डाल देंगे। तो हम इसमें एकदम एक तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, थोड़ी चिपचिपी वाली चाशनी बनाएंगे। और थोड़ी देर पकाने के बाद जब चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हमने यहाँ पर 2 हरी इलायची कूट के डाल दी हैं फ्लेवर के लिए। इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर ले लिया है और आप इसकी जगह केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कलर बड़ा ही प्यारा आएगा मिठाई में। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर। तो काली मिर्च पाउडर डालने से क्या होगा ना, थोड़ा सा मीठे और थोड़ा सा स्पाइसी इसमें टेस्ट आएगा, तो इससे मिठाई ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसको जरूर डालना। और इस तरह से हमारी जब चीनी मेल्ट हो जाएगी, थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है देखो चाशनी, तो इस टाइम हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। 4 से 5 ड्रॉप इसमें नींबू का रस डाल देंगे और बस ये तैयार है हमारी चाशनी। तो इस तरह से हम चेक करेंगे, देखो फिंगर में अगर चिप चिप हो रही है तो समझ लीजिए हमारी चाशनी तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, ढक के साइड में रख देंगे चाशनी को। यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पर हम डो रेडी करेंगे। तो 2 कप ले लिया है हमने मैदा, 1 चुटकी नमक, और नमक डालने से ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसको मिला लेंगे। यहाँ पे हमने 1/4 कप ले लिया है देसी घी, और इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही डाला है आप देख सकते हैं। तो इससे हमारी मिठाई एकदम खस्ता बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर अब हम इसको हाथ से मिलाएंगे अच्छे से, और ये देख सकते हैं कि इस तरह से लड्डू जैसा बन गया है। तो इतना ही घी हमें इसके अंदर चाहिए। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम डो तैयार करेंगे। तो एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते हुए ही इसको गूंदेंगे। तो डो को हम एकदम सॉफ्ट नहीं रखेंगे और ना ही एकदम हार्ड रखेंगे, मीडियम साइज़ का हम डो रखेंगे। मीडियम मैं दिखाऊंगी कि कितना रखना है आपको। ये देखिए इस तरह का आपको डो रेडी करना है, और इस तरह से आप थोड़ा सा इसको गूंद गूंद के आटा तैयार करेंगे तो ये अच्छा बनेगा। तो बस इस तरह से आप भी कीजिएगा, और इसको ढक के रख देंगे। कम से कम 5 मिनट इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे कि अच्छे से ये थोड़ा सा फूल जाए डो हमारा। और 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारा डो एकदम बहुत ही अच्छे से तैयार है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके हम पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है ना इतने डो में हम यहाँ पर अभी 4 में पेड़े तैयार कर लूँगी। और अब हम इनको बेलेंगे। तो एकदम गोल शेप में हम इसको देंगे बेल के। और ये देखिए इतना आपको भी मोटा रखना है इसको, एकदम पतला नहीं बेलना है। और यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा कटर ले लिया है, और इससे हम कोने कोने काट देंगे और इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप में हम इसको काट लेंगे। तो एक्स्ट्रा आटा इस तरह से निकाल देंगे। और अब बीच में से अब हम इसका
डिज़ाइन के लिए क्या करेंगे कि या इस कोने से इस कोने छोड़ के बीचों बीच में हम इसे पतले पतले जो है ना कट लगाएंगे। आप देखिए पूरे इसको नहीं कट लगाएंगे, अगर सारे में लगा दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। सिर्फ बीचों बीच में कट लगाएंगे और साइड से बिल्कुल छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से ये जाले जैसा बना दिया है। इसी तरह से आप भी करेंगे तो एकदम ठीक बनेगी मिठाई। और इसको उठाते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ से हम दबाएंगे और फिर इसको लीफ जैसी शेप हम देंगे। बिल्कुल लीफ जैसी मिठाई दिखनी चाहिए, तो यही हम इसमें डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो आप देखें पहले इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, इसको दो बार फोल्ड करेंगे तो एकदम लीफ जैसा इसका डिज़ाइन बन जाएगा। और जहाँ से फोल्ड किया है वहीं से ही दोबारा फोल्ड करेंगे इसको। और ये जो चिपक गए हैं तो इसको इस तरह से आप निकाल लें। वैसे फ्राई करने के बाद तो ये अलग अलग हो ही जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर हमने दो बार इसको फोल्ड कर दिया है। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी सुंदर सी हमारी लीफ एकदम तैयार है। आप इसी तरह से सारे बना लें। और ये यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखो कितने कम चीज़ों से ये इतनी बढ़िया सी मिठाई बनके हमारी रेडी हो जाती है। आप इसको बनाएंगे तो गुजिया से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये मिठाई। तो अब हम इसको जो है ना फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ना तेल गरम हो गया है और इसमें फ्राई कर लेंगे। तो एकदम स्लो गैस पे ही इसको फ्राई करेंगे जब ये खस्ता बनेगी। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे पलट पलट के दोनों साइड से। मतलब अगर तेज़ गैस पे करेंगे तो ये कच्ची हो जाए रहेगी और खस्ता नहीं होगी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फ्राई करते में। लेकिन ये अच्छे से जब एकदम गोल्डन कलर में हो जाएगी ना ये फ्राई, तभी आप इसको निकालें। आप देख सकते हैं ना इसका कलर भी चेंज हो गया है क्योंकि ये हमने अच्छे से फ्राई की है। तो बस अब इनको हम निकाल लेंगे, ये अच्छे से सीक चुकी हैं बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा इसमें कलर आ गया है। और अब हम इनको चाशनी में डिप करेंगे। तो यहाँ पर हमने चाशनी ले ली है अपनी और ये थोड़ी सी इसको गर्म करके ही रखें। अगर ठंडी चाशनी में डालोगे तो ये ठीक से नहीं सेट होगी, इसके अंदर चाशनी एब्जॉर्ब होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको थोड़ी गुनगुनी चाशनी में ही डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो दो तीन मिनट के लिए इसी तरह से इसमें छोड़ देंगे चाशनी के अंदर और फिर इनको निकाल लेंगे। ये देखें हमारी कितनी अच्छी लग रही है ना मिठाई। तो हर फेस्टिवल पे बनाइए इसको, बहुत ही गर्मा गर्म खाइए और अपनी फैमिली को, गेस्टों को, सभी के साथ इसको शेयर केयर करें। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और कितने कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है आप देख ही सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा फालतू खर्चे करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही यम्मी सी मिठाई, सुंदर सी हमारी मिठाई बनके तैयार है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।